नमस्कार, बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए अब क्या रहे आपकी स्ट्रैटेजी। हमारे साथ शो में शामिल होंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी, से जानेंगे कल क्या रहे आपकी खास तैयारी। और आज हमारे साथ है मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय। सुदीप सर, आपका बहुत स्वागत करते हैं। और पूरी रिसर्च टीम हमारे साथ है, उनसे जानेंगे अलग अलग सेक्टर्स में वो क्या आज एक्सक्लूसिव खबर लेकर आए हैं। लेकिन उससे पहले आज के बाजार पर हम सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं। तो आज था हफ्ते का पहला कारोबारी दिन और शेयर बाजार आज दिन भर सीमित दायरे में उतार चढ़ाव के बाद हल्की गिरावट पर बंद हुए। निफ्टी में हमने देखा करीब 30 अंक फिसल कर 15,825 के पास, तो निफ्टी बैंक 85 अंक गिरकर 34,950 के पास जाकर बंद हुआ। सेंसेक्स 125 अंक फिसल कर 52,850 के करीब बंद हुआ। आज सेक्टर्स में एनर्जी, रियल्टी, पीएसयू बैंक और ऑटो शेयरों ने बाजार पर दबाव बनाने का काम किया, तो वहीं मेटल, फार्मा और आईटी शेयरों ने आज बाजार को संभालने की कोशिश की। एफआईआईज और डीआईआईज की तरफ से आज क्या संकेत मिले, समझते हैं। एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने आज कैश मार्केट में भारी भरकम बिकवाली की 2,377 करोड़ रुपए की, तो वहीं डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने आज 1,551 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। और आइए एडिटर्स टेक में अनिल जी से समझते हैं हफ्ते का पहला कारोबारी दिन और बाजार में आज के एक्शन के जो मेन हाइलाइट्स क्या रहे। वायदा कारोबार की मंथली एक्सपायरी के हफ्ते की शुरुआत भारतीय बाजार ने बड़ी सतर्कता के साथ, सावधानी के साथ शुरुआत की। एक्चुअली एसजेएक्स निफ्टी आज बाजारों के खुलने के वक्त काफी कमजोरी दिखा रहा था, 100-125 पॉइंट नीचे था। हालांकि अमेरिका में शुक्रवार को अच्छी तेजी दिखी, डाओ, नैसडेक, S&P सारे ये रिकॉर्ड हाइस पर जाकर बंद हुए। 250 पॉइंट डाओ मजबूत भी बंद हुआ। लेकिन आज एशिया में बड़ा माहौल खराब था, खासतौर से हांगकांग और चाइना के बाजार काफी तेजी से गिरे, अपने कारणों से गिरे लेकिन कमजोर थे और उसका असर थोड़ा सा दिख रहा था एसजेएक्स निफ्टी पर भी। लेकिन भारतीय बाजारों ने इन सब के विपरीत शुरुआत मजबूती के साथ की। और हाँ, एक और बात, हमारे बाजारों के खुलने के वक्त डाओ फ्यूचर्स भी लगभग 150 पॉइंट नीचे थे, लेकिन उसके बावजूद बाजार एकदम फ्लैट खुले। खुलने के बाद 15,800 तक नीचे आए और वहीं से फिर से रिकवर होकर ऊपर की तरफ बढ़े। न 15,800 को तोड़ा, न 15,900 को पार किया। दिन भर 100 पॉइंट के सीमित दायरे में ट्रेड करके हल्के नुकसान के साथ 15,825 के आसपास बंद हो गए। बैंक निफ्टी भी आप देखिए 35,000 से थोड़ा सा ही नीचे 34,950 पर 85 पॉइंट के नुकसान के साथ बंद हुआ। 35,100 को पार नहीं किया और नीचे 34,675 के आसपास स्ट्रॉन्ग पहला जो सपोर्ट था वहीं से बैंक निफ्टी घूम गया और उसके बाद वापस नीचे आया नहीं। तो कह सकते हैं कि ग्लोबल मार्केट्स के संकेतों के दम पर कमजोरी हो सकती थी, लेकिन कमजोरी हुई नहीं। उसकी दो बड़ी वजह थी। एक, वीकेंड पर जो रिजल्ट्स आए, कमोबेश रिजल्ट सारे अच्छे थे, भले रिजल्ट के बाद प्रॉफिट बुकिंग आई हो, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक, आईटीसी, अंबुजा, जेएसडब्ल्यू स्टील, ये सारे रिलायंस, ये सारे रिजल्ट्स ओवरऑल अच्छे थे, प्रॉफिट बुकिंग आना अलग बात है। तो एक वो सहारा था। दूसरा, एफआईआईज की तरफ से बिकवाली का प्रेशर कम हुआ है कैश मार्केट में, घरेलू फंड्स ने दमदार खरीदारी की, वायदा कारोबार में एफआईज ने भी खरीदारी की। अब एक्सपायरी का हफ्ता भी है, बाजार हल्के हैं, मंथली एक्सपायरी है, तो निचले स्तरों के बाद शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश खरीदारी आना तय है और यही वजह कि बाजार ज्यादा कमजोर हुए नहीं। तो एसजेएक्स निफ्टी देखकर जिन्हें डर लगा उन्हें बड़ी राहत मिली कि बाजार मजबूती के साथ ही टिके रहे और एक बार 15,900 के आसपास एग्जिट करने का मौका भी दिया। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी खरीदारी लौटती दिखी, स्पेशली मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में एक्शन खरीदारी का ज्यादा रहा, क्योंकि जिन जिन कंपनियों के नतीजे आ रहे हैं, नतीजे आमतौर पर छोटी कंपनियों के बेहतर आते हुए दिख रहे हैं बड़ी कंपनियों के उम्मीद के मुताबिक। तो उस लिहाज से कैश मार्केट के स्टॉक्स में आज भी भरपूर एक्शन रहा। तो कह सकते हैं भले आज हल्के लाल निशान में बाजार बंद होते दिखे, लेकिन एक बड़ी गिरावट हो सकती थी, बाजारों ने दमखम दिखाया और बड़ी गिरावट से बचकर अहम लेवल्स के ऊपर ही बंद हुए। तो अभी तक तो कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं है, आज की क्लोजिंग ठीक कही जाएगी, अच्छी कही जाएगी ग्लोबल मूड माहौल को देखते हुए। और अब कल के लिए क्या खास तैयारी रहे, समझेंगे अनिल जी से। लेकिन उससे पहले आज के बाजार में सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन को अच्छे से जानते हैं। आशीष चतुर्वेदी का रुख कर लेते हैं हमारे सहयोगी। आशीष जरा बताएं, आज के कारोबार में खबरों के दम पर कहां पर सबसे ज्यादा हलचल दिखी। देखिए,
एशियन मार्केट्स में सुस्ती का असर जो है भारतीय बाजारों पर देखने को मिला। निफ्टी ने पूरे दिन जो है करीब 100 अंकों की रेंज में कारोबार किया। वहीं निफ्टी बैंक में अगर आप देखें तो करीब 85 अंकों की गिरावट के साथ, मामूली गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। सेंसेक्स ने भी नेगेटिव बायस के साथ पूरे दिन कारोबार किया। लेकिन बाजार में अगर आप देखें तो पार्टिसिपेशन ब्रॉडर मार्केट से काफी बढ़िया आदमी नजर आया। सबसे पहले वो स्टॉक्स देख लेते जो हमने आपको जी बिजनेस पर बताया, बैम्बिनो एग्रो, ये स्टॉक आपको SIP स्टॉक के तहत बताया गया था। दिन के दौरान 20% का उछाल स्टॉक में देखने को मिला। सन फार्मा आपको राकेश बंसल ने बताया, कंट्रोल प्रिंट आपको बताया सेटी साहब ने, अच्छी तेजी यहां पर देखने को मिली। और नतीजों के बाद राय दी कोरोमंडल इंटरनेशनल पर सच्चिदानंद जी ने, और अच्छी तेजी स्टॉक पर भी देखने को मिली। सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन को अगर आज समझा जाए तो आज काफी दिनों के बाद केमिकल स्टॉक्स दोबारा एक्शन में लौटते हुए नजर आए। गुजरात फ्लोरो केमिकल्स एक तरफा तेजी स्टॉक में देखी जा रही है। तिरुमलाई केमिकल्स में भी अगर आप देखें तो ब्रेकआउट देखने को मिला। फिलिप्स कार्बन और आरती सर्फेक्टेंट्स में भी अगर आप देखें तो काफी बढ़िया तेजी दिन के दौरान देखने को मिली। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में जो है मेटल की कीमतों में उछाल देखने को मिला। इसका असर आपको देखने को मिला हिंदुस्तान कॉपर, हिंडाल्को, वेदांता, नालको और अन्य जो स्टील स्टॉक्स हैं वहां पर भी अगर आप देखें तो करीब करीब दिन के दौरान तेजी देखने को मिली। फार्मा स्टॉक्स में एक्शन भरपूर था। स्मॉल कैप कंपनी कोपरान यहां पर देखिए 5% की तेजी के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। एस्टेक लाइफ साइंसेज यहां पर खरीदारी का रुझान देखने को मिला। आयुर्वेद केमिकल्स और GSK फार्मा जो कि MNC फार्मा कंपनी है यहां पर भी खरीदारी देखने को मिली। BSE और CDSL ये दो स्टॉक ऐसे बजेंगे जो लगातार तेजी दिखा रहे हैं और आज भी अगर आप देखें तो पॉजिटिव बायस के साथ यहां पर पूरे दिन कारोबार देखने को मिला। बैंकिंग स्टॉक्स की तरफ से थोड़ी बहुत अगर आप देखें तो बाजार में निराशाजनक देखने को मिली। RBL बैंक, बंधन बैंक, हाई बीटा स्टॉक्स में गिरावट का रुझान यहां पर देखने को मिला। PNB और कर्नाटका बैंक भी हल्की मामूली गिरावट के साथ बंद हुए और ऑटो स्टॉक्स की रफ्तार भी जो है रुकते हुए नजर आई। अशोक लेलैंड, M&M, हीरो और मारुति जो है हल्की गिरावट के साथ बंद हुए। तो सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन हमने समझ लिया, अब आज मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय जी का रुख कर लेते हैं। सुदीप जी, रिजल्ट सीजन ऑन है, भरपूर एक्शन हम इस स्पेस में देख रहे हैं, आने वाले भी कुछ ऐसे नतीजे हैं बड़ी कंपनीज के, कुछ नतीजे आ चुके हैं फिलहाल। अब तक आपको एक्सपेक्टेशन के मुताबिक लग रहा है पूरा ये रिजल्ट सीजन, साथ ही बाजार की जो अभी चाल है, हलचल है हफ्ते के पहले ही कारोबारी दिन, आगे आने वाला जो कोर्स ऑफ एक्शन है कैसे एक्सपेक्ट करें? देखिए स्वाति जी, जो नतीजे आ रहे हैं बाय एंड लार्ज मार्केट के एक्सपेक्टेशन के मुताबिक आ रहे हैं। जो स्मॉल और मीडियम साइज कंपनीज हैं उनके कुछ क्षेत्र में नतीजे जो एक्सपेक्टेशन है उससे बेहतर आ रहे हैं। लार्ज कैप कंपनीज में बाय एंड लार्ज एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नतीजे आ रहे हैं। पर यहाँ पे एक चीज में मैं निवेशक को और मार्केट को सतर्क करना चाहूंगा कि बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज के जो नतीजे इस क्वार्टर में आ रहे हैं वो बहुत जगह पे देखा जा रहा है कि जो एक्सपेक्टेशन है उससे खराब आ रहे हैं। और इसका ठोस कारण भी है, जो Q1 में जो सारे लॉकडाउन थे उसके चलते एसेट क्वालिटी में थोड़ा बहुत डिप्रिसिएशन देखने को मिल रहा है और जो लोन ग्रोथ है ये भी बहुत कम हुआ है, इसके चलते प्रॉफिटेबिलिटी पे भी प्रेशर आ रहा है। HDFC बैंक के नतीजे, बजाज फाइनेंस के नतीजे हम लोगों ने देखे हैं, वहाँ पे दबाव बरकरार था और लगता है कि फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस में दबाव रहेगा। पर इसमें बहुत बड़ी शंका की बात नहीं है, शायद बहुत बड़ा करेक्शन मार्केट में फाइनेंशियल सर्विसेज में होता है तो वो लेने का अपॉर्चुनिटी होगा क्योंकि ये बिल्कुल क्वार्टर स्पेसिफिक करेक्शन है। आने वाले दिनों में हम लोगों को लगता है कि परफॉर्मेंस इंप्रूव करेगा और यहाँ पे अच्छा खासा ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। ओवरऑल मार्केट का जो टेक्सचर लग रहा है वो पॉजिटिव लग रहा है। अनिल जी ने जिक्र किया जो ग्लोबल फैक्टर्स के वो पॉजिटिव है। इसके अलावा मैं डोमेस्टिक जो फैक्टर्स है उसका भी जिक्र करना चाहूंगा। बीच में मानसून थोड़ा रुक गया था, अब मानसून वापस आ गया है और जो खरीफ जो लॉस ऑफ क्रॉप का जो चिंता थी, जो डिस्कशन चल रहा था उस पर भी थोड़ा अच्छा खासा पॉजिटिव असर देखने को मिल रहा है। वापस सोइंग चल रहा है और खरीफ में इतना ज़्यादा लॉस की संभावना नहीं है। ये इंडियन इकोनॉमी के लिए, मार्केट के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। इसके अलावा जो कोविड रिलेटेड जो रेस्ट्रिक्शंस थे वो भी धीरे धीरे निकल रहे हैं और उसके चलते इकोनॉमी में पोस्ट लॉकडाउन फेज एक देखने को मिल रहा है। अब बात यह है कि अगर थर्ड वेव वगैरह ना आए तो हम लोगों को लगता है कि इकोनॉमी अच्छा खासा स्पीड पकड़ेगा और मार्केट में भी मोमेंटम बरकरार रहेगा। हम लोग IPO मार्केट देख ही रहे हैं, बहुत 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 ही एक्साइटिंग है और आने वाले दिनों में भी एक्साइटिंग IPOs आ रहे हैं तो ओवरऑल मार्केट में एक्साइटमेंट लेवल बरकरार रहेगा और मार्केट ग्रेजुअली ऊपर मूव करता रहेगा। मार्केट में हम लोगों का बायस पॉजिटिव है। ओके सर, चलिए ये तो हमने बाजार पर एक चर्चा कर ली। अब जो नतीजे आए हैं
कैसे नतीजे आए उन पर भी जरा एक नजर डाल लेते हैं। टाटा मोटर्स ने नतीजे अपने पेश किए और जून तिमाही में टाटा मोटर्स का घाटा कम होकर 4,450 करोड़ रुपए पर आ गया है। पिछले साल हमने देखा इसी दौरान कंपनी का घाटा 8,438 करोड़ रुपए रहा था और जून तिमाही में कंपनी के घाटे का जो अनुमान से ज्यादा रहा जो कंपनी का घाटा था। अब इस अवधि में कंपनी की कंसो आय सालाना आधार पर करीब दोगुनी बढ़ोतरी के साथ 66,406 करोड़ पर आ गई है और हमने पहली तिमाही में कंपनी का कंसोलिडेटेड एबिटा मार्जिन 8.3% पर रहा जो देखा। पहली तिमाही में कंपनी के JLR सेगमेंट का नेट लॉस 11 करोड़ पाउंड पर रहा था। पहली तिमाही में कंपनी के अन्य आय 582 करोड़ रुपए रही। ये तो टाटा मोटर्स के नतीजों की बात हुई। L&T ने भी अपने नतीजे पेश किए और देश के दिग्गज कंस्ट्रक्शन कंपनी L&T के अप्रैल जून तिमाही के नतीजे अनुमान से खराब रहे हैं। जून तिमाही में कंपनी का कंसो मुनाफा 1,170 करोड़ रुपए रहा जबकि जी बिजनेस ने 1,569 करोड़ रुपए के मुनाफे का अनुमान यहां पर जताया था। इसी तिमाही में पिछले साल कंपनी का मुनाफा 303 करोड़ रुपए रहा था। कंपनी की आय भी अनुमान से कम रही। इस दौरान कंपनी की कंसो आय 29,330 करोड़ रुपए रही थी जबकि अनुमान था 30,520 करोड़ रुपए का। अप्रैल से जून तिमाही में कंपनी के अन्य आय 648 करोड़ रुपए रही। सुदीप जी आपके पास एक बार हम फिर से आ रहे हैं। टाटा मोटर्स के नतीजे अच्छे आए वहीं L&T के अनुमान से बेहतर नहीं देखे गए नतीजे। टाटा मोटर्स L&T दोनों पर क्या स्ट्रैटेजी रखने की आप सलाह देंगे निवेशक के लिए? जी स्वाति जी, पहली बात तो ये है जैसे मैं जिक्र कर रहा था हमारा इंडिया में Q1 करीबन लॉकडाउन के अंदर से हम गुजरे तो डोमेस्टिक फोकस कंपनी लार्सन डुब्रो जो कि कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर में है वहां पे कुछ दिक्कतें आई और उसका साफ जो रिजल्ट है वो Q1 के नतीजे में देखने को मिल रहा है। शंका की बात नहीं है, L&T स्ट्रॉन्ग कंपनी है और करंट लेवल पे भी निवेशक खरीदारी कर सकते हैं अगर आपका नजरिया एक साल का है। टाटा मोटर्स का मैं जिक्र उसी एक ही शब्द में कहूंगा कि इनका बिजनेस JLR जैसे आपने भी जिक्र किया करीबन मेजर मेजॉरिटी ऑफ बिजनेस इसका ग्लोबल है, चाइना यूरोप US में बिजनेस है और क्योंकि इन जियोग्राफीज में बिजनेस में रुकावट ज्यादा नहीं आया था और ओपन लॉकडाउन निकल रहा है हर जगह पे तो बिजनेस में मोमेंटम वापस आ रहा है। उम्मीद ये रहेगी कि प्रदर्शन अच्छा रहेगा पर एक चीज टाटा मोटर्स में ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे टाटा मोटर्स कंपनी ने खुद ने वार्निंग दिया है कि जो ग्लोबल चिप शॉर्टेज ये लग्जरी कार सेगमेंट को मैन्युफैक्चरिंग में अफेक्ट कर रहा है और इसीलिए शायद इस क्वार्टर जो कि Q2 है उसमें प्रदर्शन ठीक ठाक नहीं रहेगा तो थोड़ा सतर्क रहने का टाटा मोटर्स में निवेशक के लिए सलाह रहेगी। ओके सर, तो टाटा मोटर्स में थोड़ा सतर्क रहने की निवेशकों के लिए सलाह। अब आइए शो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं शो में शर्मा जी का ऑप्शन। HDFC सिक्योरिटीज के बीके शर्मा हमारे साथ हैं। सर बहुत स्वागत है आपका शो में। कल के लिए ऑप्शन की क्या स्ट्रेटजी बताएंगे? जी स्वाति जी नमस्ते, और मैं ऑप्शन की स्ट्रेटजी बताऊं इसके पहले याद दिलाना चाहूंगा कि हमारे 527 जवान और ऑफिसर शहीद हुए थे, आज कारगिल विजय दिवस है और उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित हम करते हैं। तो अब मैं ऑप्शंस बताता हूँ, एशियन पेंट्स और L&T इन्फो ये दो स्टॉक मैं लेकर आया हूँ। तो ये दोनों ही स्टॉक ऐसे हैं जो कुछ बढ़े नहीं हैं और थोड़े थोड़े गिरे रहे हैं। तो यहाँ पे एशियन पेंट जो 3 दिन से लगातार गिर रहा है मैं समझता हूँ कि सेटलमेंट के एंड में इसमें थोड़ी तेजी आ सकती है। तो आपके जो ऑप्शंस हैं ये जुलाई के हैं और ये थर्सडे को यानी कि बृहस्पतिवार को ये समाप्त हो जाएंगे। तो जुलाई के ही 3,100 की कॉल एशियन पेंट्स के लिए 12 रुपए पे, स्टॉप लॉस रखें 7 रुपए का, टारगेट आपका रहेगा 23 रुपए। L&T इन्फो इसी तरह से 4,400 की कॉल इसी महीने की 26 रुपए पे लें, स्टॉप लॉस रखें 16 रुपए का, टारगेट आपका रहेगा 45। ध्यान रखिए कि आपको स्टॉप लॉस लगातार बढ़ाते जाना है। इंडिया बुल्स जो कल दिया था उसका टारगेट हो गया और DLF ने भी करीब जो ऑप्शन था उसमें आपको करीब 60% का फायदा हो रहा था, आज वो टारगेट तो नहीं हुआ। तो इसमें बहुत आवश्यक है ये बताना कि आप अपना स्टॉप लॉस लगातार ऊपर बढ़ाएं जिससे कि आप प्रॉफिटेबली एग्जिट हो सके और आपका पैसा रोटेट करेगा। धन्यवाद, जय हिंद। और आइए अब अनिल जी से समझते हैं कल के बाजार पर आपको क्या रखनी है खास स्ट्रेटजी और बाजार के लिए अहम संकेत क्या होंगे।
अमेरिकी बाजारों में आज रात कैसा एक्शन होता है ये देखना जरूरी होगा, क्योंकि 115 अंक नीचे डाउ फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे थे हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त, है ना। तो देखते हैं अमेरिका में आज क्लोजिंग कैसी होती है, सुबह डाउ फ्यूचर्स पर भी नजर रखेंगे तो ओपनिंग तो हमें वहां से मिल जाएगी कि कैसे शुरुआत करनी है। लेकिन उसके बाद हमारे अपने ट्रिगर्स हैं, कुछ रिजल्ट्स के होंगे, कुछ FIs के और घरेलू फंड्स की आज की खरीदारी के आंकड़े और कुछ वायदा कारोबार से। बाजार हल्के हैं वायदा कारोबार के लिहाज से, पुट कॉल रेशियो लोअर साइड पर है तो बहुत तेज गिरावट की आशंका है नहीं। रिजल्ट्स ठीक आ रहे हैं यहाँ पर भी ठीक है, डेटा पिछले दो दिनों के FIs घरेलू फंड के अच्छे हैं, कोई खास बड़ी बिकवाली है नहीं, वो भी ठीक है। तो लोकल फैक्टर्स तो ठीक है, अगर दिक्कत हो सकती है तो ग्लोबल मार्केट्स है, तो ग्लोबल मार्केट्स के दम पर हम शुरुआत कर सकते हैं। तुरंत 15,800-15,900 पॉइंट की रेंज है, इस पर फोकस करना है। नीचे अगर फिसले 15,800 के आसपास तो 15,700-15,750 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, आसानी से नहीं टूटेगा। और ऊपर 15,900-15,950 माफ कीजिएगा, ये वो रेंज है जहां पर आपको बिकवाली और प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी। ये तो बात होगी निफ्टी की। बैंक निफ्टी 34,450-34,650 ये 200 पॉइंट की रेंज बैंक निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट है नीचे की तरफ। और ऊपर 35,200-35,400 ये 200 पॉइंट की रेंज रुकावट का मामला है। 35,000 बीच में मेक और ब्रेक वाला लेवल है और बार बार वहीं पर जाकर बाजार अटक रहा है, ठीक वैसे ही जैसे 15,850-15,900 के आसपास निफ्टी अटक रहा है। इन सब के बीच में मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में तेजी अब भी बरकरार है, यहाँ पर खरीदारी अब भी बनी रहेगी, वहाँ पर आपको फोकस करना चाहिए। और फोकस करना चाहिए उन सभी स्टॉक्स पे जहाँ पर रिजल्ट स्पेसिफिक एक्शन आता हुआ दिख रहा है। तो इस वक्त बजाय सेक्टर, बजाय ओवरऑल मार्केट पर कॉल लेने के, आप रिजल्ट पर फोकस करें, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर फोकस करें, ये आपके लिए ज्यादा ठीक रहेगा। और आज कल की ऑप्शन स्ट्रेटजी जानते हैं, हमारे साथ kiranjadhav.com के CEO आशीष केलकर हैं। आशीष जी बहुत स्वागत है आपका शो में, कल के लिए ऑप्शन स्ट्रेटजी कहाँ बताएंगे? गुड इवनिंग। जैसा किरण अभी अनिल जी कह रहे थे कि एक स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन अप्रोच हमें रखना चाहिए, तो उसी हिसाब से एक स्टॉक मेरे भी रडार पर है आज के मार्केट में, अच्छा खासा उसने एक ब्रेकआउट दिया है और वो स्टॉक है मैक्स फाइनेंशियल MFSL। तो इसका 1120 का कॉल ऑप्शन खरीदारी करने की सलाह होगी। आज का क्लोजिंग करीबन ₹16.50 के आसपास है, इसी लेवल पे खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस रहेगा ₹13 का, पहला लक्ष्य ₹22 का, दूसरा लक्ष्य ₹25 का। बहुत शुक्रिया आपका सर, हमारे साथ शो में शामिल हुए, कल के लिए ऑप्शन स्ट्रेटजी आपने बताई। सुदीप जी आपका रुख कर रहे हैं और आपसे जानेंगे लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी कहां कहां पर। देखिए दो शेयर का मैं जिक्र करना चाहूंगा, पहला शेयर MCG सेक्टर के बहुत ही अच्छा कंपनी इमामी का है, ₹700 का टारगेट रख के हम यहाँ पे खरीदारी की सलाह दे रहे हैं एक साल का नजरिया से। इनके जो पावर ब्रांड्स हैं, एस्टैब्लिश्ड ब्रांड्स हैं, जहां से करीबन 65% रेवेन्यू आता है, उनके परफॉर्मेंस आने वाले अगले दो साल में बहुत अच्छा होने की संभावना है। यहां पे ध्यान में ये रखना पड़ेगा कि इमानमी का डिस्ट्रीब्यूशन रीच रूरल इंडिया में बहुत अच्छा है और रूरल कंजम्पशन बढ़ने के साथ साथ इसको बहुत फायदा होता है। दूसरी बात है इनका जो जो इमर्जिंग ब्रांड्स है, जो नए लॉन्चेज है, उसका भी अच्छा खासा असर देखने को मिल रहा है। इन्होंने जो हेल्थ केयर पोर्टफोलियो बनाए हैं और वहां से करीबन 10% रेवेन्यू आता है, वहां पे भी अच्छा खासा डिस्ट्रीब्यूशन रीच बढ़ रहा है और प्रोडक्ट्स के डिमांड अच्छा आ रहा है। मैनेजमेंट रिवैम्प किया है बाय लैटरल इंडक्शन फ्रॉम इंडस्ट्री, उसका भी अच्छा असर आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। आखिर में ये कहना चाहूंगा कि पेयर कंपेरिजन अगर करें कंपेरेटिव FMCG कंपनीज के, उनके कंपेरिजन में अभी भी बहुत अच्छा मल्टीपल में, बहुत अच्छा वैल्यूएशन पे मिल रहा है, तो यहाँ पे निवेशक एक साल का नजरिया से खरीदारी करे। दूसरा शेयर जो मैं जिक्र करना चाहूंगा वो है बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर के अच्छा प्रदर्शन करने वाला जो प्राइवेट सेक्टर का बैंक फेडरल बैंक। यहाँ पे हम लोग ₹110 का टारगेट लेके 6 से 9 महीना का खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। नतीजे पिछले क्वार्टर के जो एक्सपेक्टेशन है उससे थोड़ा कम आया है, और जैसे मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड लाइंस था। इसका कारण ये है कि फर्स्ट क्वार्टर में लॉकडाउन के चलते इनका कलेक्शन एफर्ट हैम्पर हुआ है और एसेट क्वालिटी में थोड़ा डिटरियेशन देखने को मिला है और मार्जिन में भी दबाव देखने को मिला है। पर हम लोगों को लगता है कि आने वाले दिनों में जैसे जैसे लॉकडाउन निकल रहा है, जैसे जैसे इकोनॉमी में सुधार आ रहा है, इनका एसेट क्वालिटी इंप्रूव करेगा और मार्जिन भी इंप्रूव करेगा क्योंकि डिसबर्सल भी बढ़ेगा।
दूसरी बात यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मैनेजमेंट को लेके जो अनसर्टेनिटी था वो निकल गया है, क्योंकि मैनेजिंग डायरेक्टर को 3 साल का एक्सटेंशन मिल गया है और प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, तो ये बहुत अच्छा बैंक के लिए खबर है, इन्वेस्टर्स के लिए भी ये बहुत अच्छा खबर है। तीसरी बात कहूंगा कि जो डिपॉजिट बेस है इनका स्ट्रांग है और जो टीयर वन कैपिटल है बहुत ही अच्छा है, 13.9% टीयर वन कैपिटल है और वो भी एक बहुत ही स्ट्रांग फुटिंग पे बैंक को रखता है। ओवरऑल हम लोगों को लगता है यहाँ पे निवेशक 6 से 9 महीने के लिए ₹110 का टारगेट से खरीदारी कर सकते। तो इमामी और फेडरल बैंक में लॉन्ग टर्म नजरिया रखने की सलाह सुदीप बंदोपाध्याय की, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ शो में शामिल हुए, तमाम सहयोगियों का भी करेंगे धन्यवाद। तो आज इस शो में बस इतना ही, वक्त एक ब्रेक का है, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जी बिजनेस। प्राइड पतंजलि।